तो दोस्तों आपका स्वागत है डिजिटल कैमरा में। दोस्तों तो आज का हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 14। दोस्तों हम खेल रहे हैं पोकेमॉन कॉइन जेल। तो पिछले ही एपिसोड में हम जीते हैं अपना 8th पैक, उसके बाद हम फाइनली कर लेते हैं पार विक्टोरियल और हम आ चुके हैं फाइनली पोकेमॉन लीग चैंपियनशिप में। तो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करो, कमेंट करो आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। सामने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पीछे मैंने पूछा था कि ये कौन सा पोकेमॉन है। तो दोस्तों ये है स्लैकिंग। तो सबसे पहले आंसर किया है लक्ष्य भाई ने, फिर दिया है ऋतिक भाई ने, फिर दिया है अर्जुन भाई ने, फिर दिया है करण। दोस्तों ये वो डी पोकेमॉन आर्ट फैन थे जिन्होंने जवाब दिया। दोस्तों अगर आप डी पोकेमॉन आर्ट फैन हो तभी आप जवाब दे पाओगे, तो कुछ कुछ जगह स्ट्रीम पे आने वाला। चलो चलते हैं अंदर की साइड और फाइनली हम आप पोकेमॉन लीग में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि मैंने रिवाइव भी खरीद लिए हैं, पोशंस भी खरीद लिए, साथ में मैंने पावर जेम भी खरीद लिए हैं, जिनसे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है इस पोकेमॉन लीग में। और ज़रा देखते हैं भाई अब अपना पहला बंदा कौन आएगा फाइट करने के लिए। बस यार हमारे पोकेमॉन ज़्यादा डैमेज ना हो, क्योंकि हमें अपने जितने हो सके उतने पोशन बचाने चाहिए, क्योंकि कुछ भी पता नहीं भाई लड़ाई के टाइम क्या हो जाए। तो यहाँ पर पहला बंदा आ चुका है, ज़रा हम इससे बात कर लेते हैं। ओके भाई देखते हैं तुम किस टाइप के होने वाले हो। ये 4 इलाइट्स में से हैं और उसके बाद फाइनली हम चैंपियन से लड़ाई करने वाले हैं। तो यहीं पे हमारी पोकेमॉन लीग शुरू हो चुकी है और ये हमारा फर्स्ट मैच है और हम ऐश करेक्टर को यूज़ करेंगे ताकि हमारा गुड लक बना रहे। चलो देखते हैं ऐश कितना लकी हो सकता है अभी के लिए। ओके मैक्स तुम इसको डिफीट कर ही सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं है। ठीक है तो ज़रा देखते हैं हमारे पास कौन सा अच्छा अटैक है, क्या किया जाए। चलो इसको करते हैं हम। ओ हमारा पावर जेम काम आ रहा है, मैंने फायर जेम दिया था इसको और इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है फायर अटैक की। ओ भाई ये हुई ना बाजी, जी मूव से कम नहीं है यार, ये जी मूव से कम नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि हाँ कि ये एक बार ही काम करता है कि बस एक बार पूरे मैच में यूज़ कर लिया तो यूज़ होता रहेगा, मुझे इतना नहीं पता है। बाकी इसका भी हमने अटैक देखा बड़ा दमदार था और अभी हमने इसको पहला पोकेमॉन डिफीट किया हुआ है और यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे मिल रहे हैं। शायद हम अपने लास्ट बैटल तक 80 तक पहुँच जाएंगे आराम से, बहुत चांस है मैक्स तो पहुँच ही जाएगा। और मेनली हमारे 7 मतलब जितने पोकेमॉन हैं सारे के सारे शायद अपने 70 तक पहुँच ही जाएंगे, 70-75 तक। ओके विपोरियम अब तुम्हारी बारी है, देखते हैं इसको हराने तो कोई बड़ी बात नहीं, वाटर पल्स काफ़ी होगा ना। मैंने विपोरियम को अपना आइस जेम दिया है, देखते हैं वो काम करता है कि नहीं करता है, या मुझे इसको वाटर जेम देना पड़ेगा क्योंकि इसको एक आइस टाइप मूव आता है ना, क्या पता आइस जेम काम कर जाए। पर अगर लगता तो उन्हें भी यूज़ हुआ है तो शायद हमें इसको वाटर जेम देना पड़ेगा क्योंकि आइस जेम काम नहीं किया है। और मुझे ये भी पता नहीं कि जेम्स की लिमिट कितनी है, मतलब हम एक पैच में कितनी बार जेम्स यूज़ कर सकते हैं, इसका भी कोई आइडिया नहीं है मुझे। और यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो चुका, गेंगार 62 का हो गया, बढ़िया यार। ओके अभी तक सन रे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमें बस विपोरी होना है फिलहाल के लिए। ओके तो लगता है ये सारे रॉक टाइप पोकेमॉन यूज़ करने वाला है, इसका ये अपना थर्ड पोकेमॉन है ट्रायंटार। देखते हैं भाई अभी इसके बाहर इसके 3 पोकेमॉन बचेंगे, मतलब ये भी एक मतलब डिफरेंट टाइप्स को यूज़ करने वाले पोकेमॉन है। मुझे लगा था डिफरेंट टाइप्स आएंगे पर इतना कुछ खास आया नहीं है, बस बार बार रॉक टाइप आ रहे हैं। बस हमें जो मतलब मेन पंगा होने वाला है ना वो लास्ट वाले बंदे के साथ होगा, क्योंकि जो लास्ट में होगा ना वो दमदार बहुत होने वाला है। मे बी उसके सारे पोकेमॉन 60 या 65 तक होंगे तो मैच मस्त जाएगा, क्योंकि अगर हम 80 तक भी हुए तो उसके पोकेमॉन इतने बुरे भी नहीं होंगे कि भाई वो मर जाएंगे इतनी ईजिली, टाइम लगेगा उसको मारने के लिए भी। ओके हमें बस एक मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन है, उससे ज़्यादा कोई नहीं है। अभी भी विपोरियन को कम डैमेज पड़ा फिर भी ठीक है। नेक्स्ट पोकेमॉन है अपसोल। ओके तो अपसोल जो है वो है एक अपना नॉर्मल टाइप और अपसोल को हराने के लिए मैक्स काफ़ी होगा, क्या बोलते हैं मैक्स हरा पाओगे। चलो देखते हैं मैक्स तुम्हारा कितना डैमेज लग सकता है इसको, 49 का है मतलब इजीली तुम हरा सकते हो इसको, इतनी कोई बड़ी बात नहीं अपसोल को हराना। ओके अपसोल पे हम अटैक करते हैं अब अपना ये देखते हैं थंडर फैन कितना डैमेज देता है। ओ मेगा एवोल्यूशन, मुझे सोचना चाहिए था मेगा एवोल्यूशन हो सकता है इनके पास एक, मतलब ये अपसोल मेगा इवॉल्व होता है, अच्छी बात है। ओके थंडर फैन कितना डैमेज, ओ भाई ये हुई ना बात, सुपर इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि ये फ्लाइंग टाइप नहीं है ना, बस नॉर्मल में है तो इसलिए लग गया, बस लेवल ज़्यादा था ना हमारा। ओके 4073 का होगा, 4073 का हो चुका है, ये हुई ना बात। 70 का विपोरियन, तो मतलब हमारे फर्स्ट मैच में हम 70 हिट कर चुके हैं आराम से कुछ पोकेमॉन्स के, ये हुई ना बात। गेंगार नहीं, गेंगार का नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट पोकेमॉन देखते हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू बाकी पोकेमॉन ट्रेनर से हमें यहाँ पे, तो वैसे भाई बहुत एक्सपीरियंस दे रहे हैं ये लोग, फिर ठीक है
चलो आप बढ़िया, जितना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा उतना इजी हम अपना बैटल जल्दी क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे अब देखते हैं इसका मग लास्ट पोकेमोन होने वाला है शायद, नहीं मग शायद लास्ट नहीं था, इसके अलावा ये काना है शायद, देखना चाहिए कौन सा आने वाला है। मग लास्ट नहीं था इसका, मग तो शाइनियर में था इसके पास, बढ़िया है शाइनियर मग, दिखने में अच्छा लगता है, रेनबो टाइप सा है। ओके अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा आएगा, शायद ये इसका लास्ट होने वाला है, कोई पॉइजन टाइप होगा दोबारा से, नहीं पॉइजन टाइप नहीं है ये, ठीक है भाई ये फ्लाइंग टाइप है, तो इसको रहना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कुछ खास लगा नहीं देखने में। चलो भाई ये तो फाइनली हो चुका है डिफीट, और अब हम जा सकते हैं यहाँ से आगे की तरफ। हमने फोर लाइट्स में से एक लाइट को टेक डाउन कर दिया है, तीन पड़े हैं, मतलब अभी भी बैटल बहुत लंबा होने वाला है, और साथ में मुझे लगता है आगे जाके हमें ड्रैगन टाइप पोकेमोन भी देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए विपोरियन का लेवल जितना हो सके उतना ज़्यादा गेन करना चाहिए हमें। तो हमने फाइनली इसको हरा दिया हुआ है, अब हम आगे जा सकते हैं। इसने हमें अपसोल का मेगा स्टोन दे दिया हुआ है जो हमारे इतना कुछ काम आने नहीं वाला, क्योंकि बस अपसोल है ही नहीं। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। तो ये सेकंड इलाइट होने वाला है, क्या लगता है इसके पास क्या कोई घोस्ट टाइप पोकेमोन होने वाले हैं? मुझे लगता है कि घोस्ट टाइप पोकेमोन होंगे, अगर इसके पास गेंगार हुआ तो हम अपना गेंगार जरूर यूज़ करेंगे भाई, ज़रूर मैं तो ज़रूर यूज़ करूँगा, बस वो गेंगार मेगा में हो, देखते हैं किसका गेंगार मेगा ज़्यादा बेस्ट है। ओके तो पहला पोकेमोन इतना कुछ खास आया नहीं है, तो अब ऐसा करते हैं कि हम इस पर करते हैं अपना हीट क्रश, क्या बोलते हो? चलो देखते हैं, या अपना क्या हीट क्रश करते हैं। चलो अब हमारी पावर बढ़ने वाली है, अब हम तुम्हें एक बार में मार देंगे भाई, अब तुम बच के दिखाओ। एक मिनट, डैमेज नहीं पड़ा उसको, ये क्या किया इसने यार भाई, कैसे मतलब कैसे बच गया यार वो, उसको डैमेज नहीं पड़ा क्या यार, ये तो चीटिंग है यार। चलो क्या कर सकते हैं हम अगर डैमेज नहीं पड़ा तो, पर फिर भी यार कोई तो पोकेमोन होगा यार जिस, अरे वाह इस बार इसको लग गया, मुझे लगा नहीं था शायद अब लगेगा, पर हाँ पता नहीं उसने शायद कोई प्रोटेक्ट किया, कुछ अलग तरह से कोई मूव किया जिसकी वजह से मेरा जो अटैक था वो ख़राब हो गया, या फिर मेरा फायर जम खराब हो गया। चलो क्या कर सकते हैं, अभी इसका पहला पोकेमोन इतना दमदार था तो बाकी पांच का क्या होने वाला है। ओके सैबलाय, अबे यार सैबलाय मेगा ना हो यार, मुझे लग रहा है सैबलाय मेगा ज़रूर होगा इसके पास, या सैबला होएगा या गेंगार, अगर सैबलाय मेगा निकला तो गेंगार नहीं आने वाला, देख लेते हैं। ओके तो हम यूज़ करते हैं अपना फ्लेम बस्ट, देखा यार उसके पास सैबलाय मेगा था, गेंगार मेगा नहीं है। चलो चलो अब इसको डिफीट कर ही देते हैं, देख अरे वाह इतना बड़ा क्लिस्टर यार क्या बोलूं। चलो अरे वाह हमारा फायर जेम काम कर रहा है, पर अभी कैसे चार्ट काम कर रहा है तब कैसे भाई। चलो कोई बात नहीं, डैमेज दिखाने से मतलब है पूरा जाएगा, बढ़िया है। ये हुई ना बात, ये क्रिटिकल हिट हुआ ना, नेक्स्ट पोकेमोन देखते हैं कौन सा आने वाला। दो पोकेमोन गए, अगर गेंगार हुआ तो पोकेमोन चेंज है भाई, चार्जर चेंज भाई, मेरा मूड चेंज हो जाएगा, हम पोकेमोन चेंज करेंगे और दिखाएंगे भाई गेंगार की असली पावर क्या है। ओके नेक्स्ट पोकेमोन दिखाओ बस, को कितना एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके गेंगार तुम आने वाले हो क्या, लग रहा है सोलर पावर चलो बढ़ गई है हमारी। ओ गेंगार मुझे लगा ही था, घोस्ट टाइप पोकेमोन ट्रेन के पास गेंगार ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, गेंगार तो है पर मेगा एवोल्यूशन नहीं होगा इसका अब, क्योंकि इसका मेगा एवोल्यूशन जा चुका है, पर मैं दिखाऊंगा इसे असली मेगा एवोल्यूशन कहते हैं किसे हैं। ओके गेंगार आर यू रेडी, अब हम करेंगे डार्क पल्स, देखते हैं गेंगार इसके बाकी चार पोकेमोन को हरा पाता है कि नहीं, क्या बोलते गेंगार कर लोगे यार, मुझे लगता है गेंगार पे भरोसा है मुझे। चलो गेंगार अब तुम्हारी बारी है, अब तुम करो अपना डार्क पल्स। ये हुई ना बात, डैमेज अच्छा खासा लग रहा है। ओ या ये हुई ना बात, अभी हमने इसका टोटल तीन पोकेमोन मतलब ख़त्म कर दिए हैं, हाँ तीन रह गए शायद मुझे लग रहा है जितना। अरे एक्सपीरियंस अच्छा खासा मिला गेंगार को, मेगा में ऐसी भी है क्या पता नहीं, अभी 66 का हो जाएगा गेंगार। ये हुई ना बात, जरा देखते हैं नेक्स्ट पोकेमोन। ओके ये भी एक घोस्ट टाइप है, इसमें सारे घोस्ट टाइप है, इसके पास दो पोकेमोन रह जाएंगे, क्या कर सकते हैं उसके बाद हम जीत जाएंगे आराम से। तो अभी तक तो मतलब दो मैचेस तो हमारे स्मूथली जा रहे हैं, मुझे बस आगे दो मैचेस का थोड़ा डर है, क्योंकि एंड तो जाते जाते हम इतना यार डैमेज हमारे पोकेमोन होंगे, प्लस हमारी पीपी ख़त्म होने पे आ जाएगी कि भाई हमें फिर पोकेमोन मतलब हार भी सकते हैं हम, पर मुझे हारना नहीं है, मुझे वन शॉट करना है किसी भी हालत में सबको, एक ही बार में हराना है क्योंकि बार बार हराना बहुत मुश्किल लगता है यार, क्या कर सकते हैं। ओके तो अब देखते हैं दो पोकेमोन रह गए इनके पास। ओके नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा है, डक स्ट्रोक्स। ओके तो इसको इतना रहना मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी पूरा ही जाएगा। डार्क पल्स है ही ऐसा मूव है, डार्क पल्स और ड्रैगन पल्स बड़े मस्त लगते हैं मुझे, वो भी अच्छे अच्छे मतलब पावरफुल मूव्स हैं, डार्क टाइप के डार्क पल्स, ड्रैगन टाइप के ड्रैगन पल्स, वो अलग बात है हमारे ड्रैगन टाइप पोकेमोन को आते नहीं है,
बस अब लास्ट पोकेमॉन बचा है। गेंगार तुम कर दो यार प्लीज, अब हम पहुंचने वाले हैं। अभी हमें सेकंड इलाइट को हरा देना है। ओह फाइनली पोकेमॉन आ चुका है इसका लास्ट, बड़ी बात नहीं है इसको हराना। चलो अब डार्क पल्स कर देते हैं। डार्क पल्स सुपर इफेक्टिव होगा? नहीं, इसको लगता है सुपर इफेक्टिव होने वाला है। सुपर इफेक्टिव ये हुई ना बात, मुझे तुक्का मारा मैंने यार। चलो हमने फाइनली इसको डिफीट कर दिया हुआ है, मतलब हमें सैप्लाई का मेगा स्टोन मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ हम थर्ड लाइट के पास जा सकते हैं। फोर्थ लाइट तो शायद ड्रैगन टाइप होने वाला होगा जितना मुझे लगता है, बहुत चांस होंगे भाई ड्रैगन टाइप में ही होगा फोर्थ लाइट तो। ओके तो यहाँ पे हमें, नहीं इसने हमें दूसरा दिया है, ये सैप्लाई का नहीं है मेगा स्टोन, ये क्या मतलब हुआ भाई। चलो ठीक है, डायरेक्ट हम जाते हैं थर्ड लाइट के पास। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने थर्ड लाइट के पास, और आई थिंक इसके पास लगता है आइस टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं, क्योंकि आप साइड का बैकग्राउंड देखो आइस टाइप लग रहा है। हाँ तो शायद इसके पास आइस टाइप पोकेमॉन है, तो इसको रहा इतनी कोई बड़ी, इसके हाथ में जीएस बॉल थी क्या? देखने में लगा जैसे जीएस बॉल उसके हाथ में थी। चलो जीएस बॉल होगी इसके पास, मतलब क्या सेलेबी होएगी, बेकार सेलेबी। ओके तो सारे मतलब फायर टाइप पोकेमॉन आने वाले हैं, मतलब फायर टाइप कह दिया आपने यार, आइस टाइप आने वाले हैं तो फायर टाइप सुपर इफेक्टिव होंगे इन पे, यही तो प्रॉब्लम है। इसलिए तो मैंने आइस टाइप पोकेमॉन लिए नहीं है, कभी सिर्फ वाटर टाइप पोकेमॉन को आइस टाइप मूव सिखाया है। तो पहला पोकेमॉन गया और हमें हिट का रिकॉल लगा। चलो देखते हैं कितनी बार रिकॉल पड़ता है, अगर ज़्यादा रिकॉल पड़ेगा तो फिर मुझे पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट चार्जर हमारे पास है तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके तो अभी भी सनलाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यही हुई ना बात, जितनी अच्छी सनलाइट उतना हमें फ़ायदा है। तो इसका सेकंड पोकेमॉन आ चुका है, बस भाई ऐसे ही हम टेक डाउन करते रहेंगे, आराम से मरेंगे ये लोग। ये आइस टाइप में तो मुझे कोई बड़ी बात लगी नहीं इसको हराना, क्योंकि नेक्स्ट भी आई थिंक बहुत ईजी होगा। भाई देखो ये मूव ना दमदार लग रहा है, मतलब हमारा जो वो है ना अपना फायर वाला गेम जैम बहुत अच्छा चल रहा है यार। भाई ये हुई ना बस 78, भाई 80 के करीब पहुंचने वाले हैं, तो मतलब हाँ हम आराम से 80-81 तक हो जाएंगे जब तक हम लास्ट वाले इलाइट से मिलने वाले हैं या चैम्पियन से, तो आराम से। यस भैया तीसरा मैच है हमारा, चलो देखते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन आने वाला है। ये इसका तीसरा पोकेमॉन है, अभी भी इसके तीन पोकेमॉन पड़े हैं। ओके तो जितना मुझे प्रेशर कर ले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हुई ना बात, मैक्स तुम अच्छा खेल रहे हो यार, सही जा रहे हो। ए ज़्यादा रिकॉल पड़ा है, अब ज़्यादा रिकॉल पड़ा है, अब हमें लगता है चेंज करना चाहिए पोकेमॉन। रिकॉल तो चेक करो, अब तो लगता है कि हाँ अब चेंज करना पड़ेगा। चारिज़ार्ड, चलो चार्ड को आगे करते हैं, क्या कर सकते हैं, बस देखते हैं। विनसोर गेंगार 69-70 गेंगार हो जाएगा इस बार। चलो आई थिंक अब इसका लास्ट पोकेमॉन है कि सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट लग रहा है, नहीं थर्ड भाई थर्ड लास्ट। ओके हम अटैक ही चेंज कर लेते हैं, छोड़ो अटैक चेंज करते हैं, हम करते हैं हीट क्रश। ये हुई ना बात, ये भी गया, बस अब इसके सिर्फ दो पोकेमॉन बचेंगे और उसको डिफीट करना ईजी होगा, और फाइनली हम फोर्थ लाइट के पास जा पाएंगे। भाई जो मर्जी कर लो फोर्थ लाइट तो ड्रैगन टाइप होगा ही होगा, क्योंकि पोकेमॉन लीग में बिना ड्रैगन टाइप के तो किसी को मज़ा ही नहीं आता। मैंने मेनली गेम्स में देखा है कि हाँ ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ज़रूर होते हैं, तो ये देखना अब इसका नेक्स्ट अपना फोर्थ लाइट ड्रैगन टाइप ट्रेनर ही निकलेगा। और उसके लिए अपने पास तो पड़ा है अपना विपोरियन जिसको आता है अरोरा भी, सुपर इफेक्टिव पूरा जाएगा, अब कोई पोकेमॉन बचेगा नहीं उसका। ओके मेगा एवोल्यूशन गुड जॉब, पर तुम जाने वाले हो। ओह प्रोटेक्ट भाई, ये अच्छा मूव था, आई लाइक इट, ये मूव अच्छा था। नॉर्मली इसने प्रोटेक्ट ना करता ना तो ये बचता नहीं। चलो अब प्रोटेक्ट तुम्हारा गया, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये फाइनली जा चुका है, इसका लास्ट पोकेमॉन रह चुका है, अब उसको डिफीट करने के बाद फाइनली फोर्थ इलाइट में से तीसरा इलाइट जा चुकेगा, और सिर्फ एक इलाइट को ठिकाने लगाना है, फिर हम फाइनली अपने मेन फाइट के लिए जाने वाले हैं चैंपियनशिप के लिए। पता नहीं है क्या कर सकते हैं, अरे ये बेकार है, चलो ये तो पूरा ही जाएगा। चलो अब अपना आइस टाइप मूव करो, नहीं करना छोड़ो पड़े, फिर हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। वो बच गया यार, बाकी सब पोकेमॉन वन शॉट हुए पर ये बच गया भाई, लकी। आई थिंक ये आधा वाटर टाइप पोकेमॉन है ना, ये वाटर भी है आइस भी है, इसी वजह से बच गए। पूरा प्योर वाटर नहीं था, मतलब प्योर आइस नहीं था, वाटर है ये, कहने का मतलब ये था मेरा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमने डिफीट किया है इसे, और हमने फाइनली थर्ड लाइट को भी हरा दिया हुआ है, और अब हमारा फोर्थ लाइट आएगा वो आइस टाइप होने वाला है। मुझे पता है आगे जाके हम विपोरियन को आगे कर देंगे और मैक्स को पीछे कर देंगे। चलो भाई अब जाने का टाइम है, थैंक यू आपने इतना मदद की हमारी, अब हमारा टाइम है फोर्थ लाइट से लड़ने का।
ओके, तो तुम होना चाहिए ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ट्रेनर फोर्थ लाइट। पर तुम तो मुझे किसी शिप के कैप्टन लग रहे हो देखने में। हाँ तो तुम किसी शिप के कैप्टन ही हो, पर कोई बात नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे पास 6 पोकेमॉन होंगे, 6 होंगे 6 ड्रैगन टाइप होने वाले हैं, तो अरोरा भी सुपर इफेक्टिव। अगर बाई चांस तुमने मेरा विपोरियन ख़त्म कर भी दिया तो हमारे पास हमारा ड्रैगन टाइप पोकेमॉन बचा है, उसको ड्रैगन रेंज आती है तो हम जीत जाएंगे। पोकेमॉन चेंज किया जाए, क्या लगता है कि तुम ड्रैगन हरा को हरा सकते हो? मैक्स थोड़ा विश्वास करते हैं तुम पे। ओ मैन यार, इसने पोशन लेना ना, तो हम ना ऐसा करते हैं पोकेमॉन चेंज कर लेते हैं। एक तरफ से ये पोशन ले लेगा और मैं पोकेमॉन चेंज कर लूँगा। अब ये कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा आइडिया। यहाँ पे के पोकेमॉन में अब हम लेते हैं विपोरियन को और पोकेमॉन चेंज कर लेंगे। इससे ये होगा, ये पोशन ले लेगा। अभी देखना भाई, तू लकी है, मैंने 3 बंदों को हराया, तीनों में से किसी ने पोशन नहीं लिया। बस ये तेरा ड्रैगनाइट लास्ट पोशन वाला होगा, इसके बाद तू पोशन नहीं ले पाएगा। तू शर्त लगा ले, नहीं ले पाएगा पोशन। अब अरोरा भी उनकी पावर दिखाएंगे तुझे हम। ओके दे दे, सुपर इफेक्टिव होना चाहिए। ओ या विपोरियन, ये हुई ना बात। इसके पास सेलेमेंस ज़रूर होगा, सेलेमेंस मेगा एवोल्यूशन ये होगा, सेलेमेंस होगा इसके पास मेगा एवोल्यूशन में, बहुत चांस है। ओके नया अटैक आने वाला, 40 को सिखाएं। नहीं यार छोड़ो, नहीं नहीं लगता नहीं है, नहीं छोड़ो हम नहीं सिखाएंगे। ऐसा करते हैं अब हम फाइट में ध्यान देते हैं। फाइट हमने अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमने सिर्फ 1 पोकेमॉन हराया, अभी 5 पोकेमॉन और पड़े हैं इसके। ओके तो 71 का हमारा ड्रैगन टाइप पोकेमॉन भी हो चुका है, पर अलग बात है विकसित कब होगा ये 70 का गेंगार। ये हुई ना बात, मतलब हम हर मैच के बाद ना एक्सपीरियंस बड़ा मस्त मिल रहा है हमें। सेलेमेंस मतलब अभी मेगा एवोल्यूशन देखने को मिलेगा हमें। सेलेमेंस हो तो भाई ये ड्रैगन टाइप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में सेलेमेंस लगता है, और ये भाई है भी बड़ा मस्त सेलेमेंस। ओके अब हम करते हैं अरोरा भीम, देखा मेगा एवोल्यूशन मुझे लगा ही था, पर फिर भी तुम जो मर्जी कर लो, जीतेंगे होते हम लोग ही, तुम लोग नहीं जीत पाओगे। ये देखो भाई मेगा एवोल्यूशन, चलो बस इसके पास ये लास्ट चांस था सेलेमेंस। तुम्हारा मेगा एवोल्यूशन आ भी गया तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें हरा ही देना तब भी। ये हुई ना बात, अब नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है? 2 पोकेमॉन के 4 पड़े हैं, क्या लगता है ड्रैगन ईयर होगा कि ड्रेटिनी होगा? ड्रेटिनी नहीं हो सकता भाई, इतना बेकार पोकेमॉन लेके कोई नहीं आने वाला है। और इसमें सारे नॉर्मली सारे ड्रैगन टाइप होने वाले हैं क्या? क्योंकि पोकेमॉन थोड़ा डार्क या ड्रैगन पता नहीं, कुछ भी कर सकता है ये। तो इसके हिसाब से लास्ट ट्रेनर के पास सारे अलग अलग टाइप के पोकेमॉन होने वाले हैं। हाँ लग रहा है मुझे गांचोम, वैसे गांचोम का मेगा भी बढ़िया है, पर मैं तो प्रेफर करूँगा सेलेमेंस को, क्योंकि गांचोम भले ग्राउंड टाइप है पर इसके पास अटैक इतने दमदार नहीं है जितने सेलेमेंस के लगते हैं ज़ोरदार। ओके तो ये भी जा चुका है, अब 3 पोकेमॉन पड़े हैं इनके। देखते हैं भाई, मज़ा आ रहा है इसके पोकेमॉन देखने में। विपोरियन 76 का हो चुका है, 72 का भाई साहब, विनसोर गेंगार। ओके मैक्स का लेवल नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं। ओ ये तो होना ही था इसके पास, ये भी चांस था भाई, ये भी होता है। चलो अब इसको भी जाने का टाइम आ चुका है। अरोरा भीम मतलब हाँ मतलब हमने 4 लाइन से लड़ा, सिर्फ एक नहीं पोशन लिया था, उसके बाद हमने किसी को चांस नहीं दिया पोशन लेने का। यही तो होता है जब हर ट्रेनर के साथ तुम फाइट करोगे, प्लस तुम घासों में जाके फालतू में फाइट करोगे तो तुम्हें एक्सपीरियंस इतना मिलेगा ही। चलो अब नेक्स्ट पोकेमॉन देखते हैं कौन सा आने वाला है। ओके गेंगार, ओके लगन था इसके पास ये होगा, फिर भी है इसके पास। तो मतलब हाँ इसको रन के बाद इस पास एक लास्ट पोकेमॉन बचेगा, और देखते हैं कि वो किस टाइप का होने वाला है। टाइप तो पता है, मतलब कौन सा होने वाला है वो देखते हैं। ओके लास्ट 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 पोकेमॉन प्लीज़ बता दो कौन सा है। नहीं 73 का हो चुका है। ओके वीनस और गेंगार, 72 का गेंगार, वाह। ओके लास्ट पोकेमॉन, ओ यार ये बेकार लगता है मुझे। चलो फिर इसको एंड करते, समझ नहीं आता कि भाई ये कोई पोकेमॉन है कि कोई पानी में पौधा होगा पड़ा है, समझ नहीं आता है, पर फिर भी ये जा चुका है। ओके तो हमने फाइनली इसको डिफीट कर दिया हुआ है, तो 4 लाइट जा चुके हैं, और अब इस मतलब आगे जाके हम सीधा ही मेन फाइट में जाएंगे, और मैक्स हमें फ़ाइट जीतनी है किसी भी हालत में, मुझे तुम सब पे भरोसा है यार। बस अब हम जीत जाएंगे, लास्ट मैच है हमारा इसके बाद। ये हुई ना बात, सेलेमेंस का मेगा स्टोन दे दिया, पर सेलेमेंस मेरे पास है नहीं, अगर होता ना मैं पक्का यूज़ करता। ये हुई ना बात। ओके अब ज़रा आगे की साइड चला जाए, देखते हैं भाई क्या होने वाला है, हिसाब किताब। चैंपियंस बनने का टाइम आ चुका है, यहाँ पे हमने इसी बंदे के साइड फाइट करनी है। पहले हमने इसे मिले थे, मतलब इससे यही था जो मैं स्काई प्लेयर के अंदर लेके गया था, और यही है मेन चैंपियन जिसको हमें डिफीट करना है अभी।
ओके तो देखते हैं भाई कौन जीतेगा, ये या हम, देखते हैं। ओके भाई किस टाइप के पोकेमॉन होंगे इसके पास, मुझे नहीं पता यार। छह पोकेमॉन, अरे यार शुरुआत इसने वाटर पोकेमॉन के साथ की है। मैक्स तुम नहीं जीत पाओगे, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं मैक्स। मुझे लगता है पोकेमॉन चेंज करना चाहिए मुझे। ओके पोकेमॉन चेंज करते हैं, हम लेते हैं विनसॉर। विनसॉर तुम्हारी बारी है, तुम में से 75 के हो और मुझे भरोसा है कि तुम इसे हरा सकते हो। बस विनसॉर जीत जाओ यार इस मैच को। अरे यार कंफ्यूज कर रहा है वो। अगर विनसॉर ने अपने गम पावर को मतलब अनलॉक कर दिया और मतलब अगर वो कंफ्यूज है तो मतलब पैरा अटैक तो मतलब कंफ्यूज का बहुत दमदार लगेगा विनसॉर को। ओ नो गलत सीन है भाई ये तो। हम करते हैं पेटल ब्लिज़ार्ड, देखते हैं क्या होता है। हमारे जेम की पावर खुल चुकी है और देखते हैं भाई अब क्या होगा। यहाँ पे हमारे ग्रास टाइप पोकेमॉन की पावर इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ पे आया हर्ट बाइट सेल जो नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पे इसने अपना पहला मूव कर दिया हुआ है और इससे पैरालाइज हो जाता है बंदा। और अगर विनसॉर पैरालाइज हो गया तो हमारी बैंड बजनी शुरू हो चुकी है। समझ लो भाई इसका पहला पोकेमॉन एक वाटर पोकेमॉन था, मुझे नहीं पता था भाई। मुझे पता होता ना तो क्या ही बात होती उस वक्त। लो बैंड बज गई, पैरालाइज मत होना विनसॉर। ओ नो पैरालाइज हो गया, मुझे लगा ही था पैरालाइज हो जाएगा ये। ओके तो अब लगता है हमारा टाइम आ चुका है अपने मैक्स रिस्टोर को यूज़ करने का। मैक्स रिस्टोर, मैक्स रिस्टोर, मैक्स 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 रिस्टोर कहाँ है। मेडिसिंस, हाइपोपोशन, मैक्स रिजॉर्ट रिस्टोर जो भी है, मैं रिजॉर्ट बोलने वाला था। और यहाँ पे हमने फाइनली इसको दे दिया पोशन। अब यार दोबारा जाने वाला है, अटैक मिस हो जाए मेरी बद्दुआ है इसको, क्योंकि अगर इसका अटैक लगा हम दोबारा पैरालाइज हो सकते हैं, बहुत चांस है भाई। पर अभी के लिए हम ना अटैक यूज़ करते हैं अपना पेटल ब्लिज़ार्ड, देखते हैं क्या बनता है इसे। अटैक मिस ये हुई ना बात, देखा देखा मुझे लगा था। चलो भाई अब जरा देखते हैं। बस इसके पास एक ही वाटर पोकेमॉन था क्या, तो मतलब पहले हमने इसका वाटर पोकेमॉन डाउन कर दिया, ये बेटर है। ओके तो नेक्स्ट पोकेमॉन देखते हैं कौन सा आने वाला है इसका। ओ 82 का मैक्स, वाओ यार ये हुई ना बात। 4079 मतलब आधे से कम पोकेमॉन पहुँच रहे हैं भाई 70 के करीब। 76 एक तो 80 के करीब पहुँचा, 4000 तो 80 के पहुँचने वाला। 73 का गेंगार भाई, ये हुई ना बात। नेक्स्ट पोकेमॉन ये भी शायद एक वाटर टाइप पोकेमॉन है। हाँ ये ऐश के पास है ना नया अभी आया जो। हाँ ये देखो ये वाटर टाइप पोकेमॉन है, चलो ये भी जाएगा। एक मिनट इस पर दो वाटर टाइप पोकेमॉन है, अरे क्यों नहीं होंगे, हमारे पास दो फायर टाइप है तो इस पर वो वाटर टाइप क्यों नहीं होंगे। चलो दो पोकेमॉन गए, अभी चार पड़े हैं इसके। ओके नेक्स्ट पोकेमॉन देखते हैं कौन सा आने वाला है। स्वैम्पार्ड तीसरा वाटर टाइप पोकेमॉन, आई थिंक ये सारे पोकेमॉन वाटर टाइप यूज़ करने वाला है। ओके तो ये मैगा होने वाला है स्वैम्पार्ड अभी इसका, देखते हैं मेगा एवोल्यूशन स्वैम्पार्ड। ओके तो ये बात है, मतलब सारे पोकेमॉन तुम्हारे वाटर टाइप हैं, तो मतलब ये फ़ायदा होगा हमें इससे कि विनसॉर आराम से इन सबको डिफीट कर सकता है, तो मुझे इतना कोई बड़ा इशू होगा नहीं। पहले मैं घबरा गया था कि भाई ये क्या बात हुई, पहला वाटर टाइप पोकेमॉन आ गया, पर मेनली सारे भाई पोकेमॉन वाटर टाइप। अच्छा और ग्रास टाइप में विनसॉर पड़ा है, अगर विनसॉर नहीं होता ना तो अभी तक हम हार चुके होते। गुड जॉब विनसॉर, मैंने अच्छा तुम्हें पकड़ लिया था, बहुत तंग हुआ था जब मैं बल्बसॉर पकड़ने गया था भाई, मुझे बहुत टाइम लगा था बल्बसॉर को पकड़ने के लिए, और अब पता लगा कितना काम आ रहा है ये। तो हमारा फायर टाइप पोकेमॉन होता ना तो हम पिट चुके होते गंदा वाला। ओ भाई ग्रेनिंजा भी है इसके पास, वाह कई मेगा इवॉल्व होगा नहीं होगा, ये हुई ना बात फिर। अच्छा हुआ नहीं हुआ मेगा इवॉल्व। अब आई थिंक जैसे दो पोकेमॉन बचेंगे, अब देखते हैं अब दो पोकेमॉन कौन से हैं इसके। ओके एक्सपीरियंस अच्छा खासा मिला है हमें, विनसॉर 78 का हो चुका है, ये हुई ना बात फाइनली। गेंगार 74, ओके लास्ट सेकंड लास्ट पोकेमॉन इसका किंगड्रा है ये शायद, हाँ किंगड्रा ड्रैगन टाइप प्लस ए वाटर टाइप पोकेमॉन, पर ये पिट जाएगा। चलो ये भी गया, अब इसका लास्ट पोकेमॉन देखना है भाई, लास्ट पोकेमॉन कौन सा आने वाला है, कौन सा पोकेमॉन इसने लास्ट में बचा कर रखा है, कोई भाई बढ़िया सा है कि भाई याद सा है, क्योंकि मेगा एवोल्यूशन यूज़ हो चुका है इसका तो हमें पता लग चुका है इसमें कोई मेगा एवोल्यूशन है नहीं है। अब देखते हैं लास्ट में कौन सा आएगा। विनसॉर हो चुका है 79 का। ओके लास्ट पोकेमॉन बेकार है, बेकार भाई बेकार, लूडी कोलो ग्रास और वाटर टाइप का कॉम्बिनेशन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, तब भी है तो वाटर टाइप ना ये, तो पिट जाएगा ये लो। तो गाइस फाइनली हमने कर दिया है चैंपियन को डिफीट और हम बन चुके हैं हिनोवा रीजन के चैंपियन। काश ऐश बना होता कितना बढ़िया होता, फिर भी चलो कोई बात नहीं क्योंकि अभी वो वर्ल्ड का बन के दिखाएगा। गेंगार हो चुका है 75 का, हमने फाइनली चैंपियन को डिफीट कर दिया हुआ है, अब बस हमें हॉल ऑफ फ्रेम में जाना है और अपना नाम देना है वहीं पे। चलो हमें मिल चुका है स्वैम्पार्ड मेगा का स्टोन, रख लेते हैं।
और अब हम जा सकते हैं अंदर की साइड, क्योंकि अंदर की साइड ही होगा हमारा हॉल ऑफ फ्रेम। अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ होने वाली है। ओके मे आई है यहाँ पे। ओके तो मे बोलना चाहती है कि वो चैम्पियन बनने से पहले मेरे से फ़ाइट करना चाहती है ताकि वो खुद चैम्पियन बन सके, पर चैम्पियनशिप ओवर हो चुकी है। ओके यहाँ पे मे के डैड आ चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा सब कुछ यहाँ पे हो चुका हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हारा पोकेडक्स देखा जाए। तो यहाँ पोकेडक्स देखे हैं, 91 पोकेमन देखे हैं, 0 पकड़े हैं मैंने, कोई अच्छा खासा नहीं पकड़ा है। बाकी 13 पोकेमन कैच किए हैं मैंने 330 में से, क्या कर सकते हैं, मैंने कुछ ज़्यादा पोकेमन पकड़े नहीं थे। अब हम चलते हैं अंदर की साइड। अब तुम्हारा काम हो चुका है मे, तुम बाहर रहो अब, बस हम जीत चुके हैं बैटल, ये हुई ना बात। तो अंदर है हमारा हॉल ऑफ फ्रेम, ये हुई ना बात। चलो फाइनली हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा कि हम पोकेमॉन लीग चैंपियन हैं। चलो अब हम अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाते हैं यहाँ पे हमारे पार्टनर्स के साथ। ओके तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगार पोकेमॉन कौन सा था जो फाइट के लिए आया नहीं, चलो हम देखते हैं। मैक्स ने बैटल किया था, हाँ मैक्स तुम आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पोकेमॉन होगा चार्जर भी लड़ा था, हाँ विपोरियन भी लड़ा है, बस ये ड्रैगन टाइप पोकेमॉन हमारा कुछ नहीं किया। विनसोर भी लड़ा है, गेंगार भी लड़ा है, सिर्फ हमारे 5 पोकेमॉन लड़े हैं। ड्रैगन टाइप पोकेमॉन हमारा वेला बैठा रहा है, उसका कोई काम धंधा नहीं था यहाँ पे। तो फाइनली भी हमने डिफीट कर दिया था, तो अब हमारा हॉल ऑफ फ्रेम में नाम आ चुका है, ये मुझे अच्छा लगा। फाइनली यार गेम कंप्लीट हो चुकी है। तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो, कमेंट करो आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। सामने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग आर वीडियो।